हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल होम बेकर बुरहानपुर। मैं आकांक्षा। आज हम देखने वाले हैं बटरस्कॉच आइसक्रीम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था आइसक्रीम सैंडविच कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो में हम देखने वाले बटरस्कॉच आइसक्रीम। बटरस्कॉच आइसक्रीम बनाने के लिए हमें बेसिक बेस जो लगने वाला है वो वैनिला का लगने वाला है। मैं पहले आपको वैनिला बेस प्रिपेयर करना सिखाऊंगी, फिर उससे हम बटरस्कॉच आइसक्रीम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक आइसक्रीम बेस बनाएंगे। उसके लिए हमें लगने वाला है क्रीम, व्हीप क्रीम 1 1/4 कप, मिल्क लगने वाला है 1 कप, मिल्क मेड लगने कंडेंस मिल्क ये लगने वाला है 1/4 कप। ये वैनिला इसेंस है, पर हम बटरस्कॉच आइसक्रीम बना रहे हैं तो हम बटरस्कॉच इसेंस यूज़ करेंगे। मिल्क पाउडर 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर है ये 2 TBSP लगने वाला है 2 टेबल स्पून, और पिसी हुई शक्कर भी 1/4 कप। अब हम पिसी हुई शक्कर, कॉर्नफ्लावर और मिल्क पाउडर को दूध में मिला लेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। ठंडे दूध में ही इसे मिक्स करना है ताकि लम्स नहीं फॉर्म हो। आपने मेरा वैनिला आइसक्रीम का वीडियो देखा होगा, ये प्रोसीजर सेम है। अब मैंने इसमें पिसी हुई शक्कर डाली, अब मैं मिल्क पाउडर डालूंगी, इसके बाद में मैं कॉर्नफ्लावर डालूंगी। अगर आप ये बॉयल दूध में मिक्स करते हो तो इसके लम्स फॉर्मेशन होते हैं, तो प्लीज़ आप इसे ठंडे दूध में ही मिक्स करना। और इसे इसके बाद में एक बॉईल लेना है। बॉईल लेने के बाद में इस मिक्सचर को अपन ठंडा कर लेंगे। अभी सब मिक्सचर मैंने इसमें मिक्स कर लिया, अब इसका हम एक बॉईल लेने के लिए गैस पे चढ़ाएंगे। और गैस पे चढ़ाने के बाद में इसे कंटिन्यू चलाते रहना है और एक मामूली सा बॉईल लेना है, ज़्यादा इसे उबालना नहीं है। आप अगर इसे ज़्यादा उबालोगे तो इसके लम्स फॉर्मेशन होंगे। तो ये गैस पे मैंने इसे रखा, इसके ऑलमोस्ट बॉईल हो गया है। अब हम इसे गैस को बंद करके इस मिक्सचर को हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। बॉईल हो गया है। आप मेरी वैनिला आइसक्रीम की वीडियो भी देख सकते हो, ये भी सिमिलर है। बेसिक बेस हम तैयार कर रहे हैं, देखो उबाल आ गया है। अब मैं गैस को बंद करूंगी और मिक्सर को ठंडा करने के लिए रखूंगी। अब मैं व्हीप क्रीम मैंने लिया है 1 1/4 कप, इसे मैं बीट कर लूंगी। इसे बीट करने के बाद में जो मिक्सर हमने ठंडा करने के लिए रखा है इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम पहले मिल्क मेड मिक्स करेंगे, कंडेंस मिल्क। इसे मिक्स करने के बाद में ये पूरा मिक्सचर हम व्हीप क्रीम में मिक्स करेंगे। इसे रफली हम मिक्स कर लेते हैं दूध में, ये पूरा हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इस मिक्सचर को व्हीप क्रीम में मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मिक्स कर लिया है मिक्सचर को व्हीप क्रीम में। अब जब मैं इसे बीट करूँगी तो थोड़े से बबल्स फॉर्मेशन होंगे, इसकी कंसिस्टेंसी पे कृपया आप ध्यान दो। कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी ही होनी चाहिए। अब मैंने इसे बीट कर लिया है। अब हम इस मिक्सचर में आगे बटरस्कॉच आइसक्रीम बनाने की, ये हुआ अपना बेस, ये बेसिक बेस है। आपको कोई भी आइसक्रीम बनाना हो तो आपको ये बेसिक बेस बनाना है, इसमें हमने कोई भी इसेंस नहीं डाला है। अभी हम बटरस्कॉच आइसक्रीम बनाने के लिए ये बेस का 1/4 पोर्शन हमने लिया है। इसमें बटरस्कॉच के क्रंच जाएंगे, बटरस्कॉच इसेंस जाएगा और येल्लो कलर जाएगा। अब उसके लिए हम 4 to 5 ड्रॉप्स येल्लो कलर्स के लेंगे, 2 से 3 ड्रॉप हम बटरस्कॉच इसेंस के लेंगे, और ये जो क्रंच है ये बटरस्कॉच इसेंस के हमने 2 से 3 ड्रॉप ही लेने हैं, क्योंकि पोर्शन 1/4 पोर्शन ही क्रीम हमने लिया है। और ये जो बटरस्कॉच क्रंच है ये आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, आपको जितने पसंद हो। ये क्रंच बहुत अच्छे लगते हैं, मार्केट में इजी अवेलेबल होते हैं। और आप इसको मिक्सी में चर्न कर लो रफली और फिर इसे यूज़ करो। अब मैं इसे ड्राई कंटेनर में पहले तो ये मैं डालूंगी क्रीम आइसक्रीम,
और अब इसके ऊपर हम बटर स्कॉच के क्रंच डालेंगे और इसे फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे 6 से 7 घंटे तक के। ये हो गया, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। अब हम इसके ऊपर ये बटर स्कॉच के क्रंच डालेंगे और इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। इसको पैक करके फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये सेट हो गया है अपना बटर स्कॉच आइसक्रीम। तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए आपको ये आइसक्रीम कैसे लगी। हमारी 500 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही जल्दी हम 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।